हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 15 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 15,740 के आसपास में और बैंक निफ्टी 35,130 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल जिस तरह का फॉल देखने को मिला था, ऐसा लग रहा था लोअर लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज उसके कॉन्ट्रेरी आपको गेन देखने को मिल रहा है, जो 105 पॉइंट्स के आसपास में निफ्टी में है और 330 पॉइंट्स के आसपास में बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज एक्सपायरी थी, थर्सडे की एक्सपायरी। सो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि एक्सपायरी के दिन में जो आपको ट्रेड देखने को मिले, उस ट्रेड को ट्रेंड समझ के नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि एक्सपायरी के अंदर में बहुत सारे ऐसे पोजीशंस होते हैं जिसे खाली करना होता है, स्क्वायर ऑफ करना होता है, एडजस्ट करना होता है, तो उसके चलते हुए आपको पोजीशंस बनते हुए नजर आती हैं। फिलहाल आज के दिन के लिए अच्छा खासा गेन है, लेकिन आप ये समझ के चलना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक डिसिसिव लेवल्स तोड़ा हुआ है, ये रॉन्ग समझना होगा। ज्यादा इसे समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में। फिलहाल डेरिवेटिव डेटा के बारे में भी बात कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर 753, यानी थोड़ा बहुत प्रीमियम पे, बहुत ज्यादा प्रीमियम पे नहीं, थोड़ा बहुत प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी आपको लगभग 150 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया विक्स आज पॉजिटिव, बहुत दिन बाद ग्रीन कैंडल में देखने को आपको मिल रहा होगा, लेकिन यहां से अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट, आई मीन टू से इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए, थोड़ा सा वोलेटाइलाइजेशन देखने को मिले मार्केट के अंदर में, क्योंकि अगर ये वोलेटाइलाइजेशन नहीं हुआ तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही घूमता रहेगा। सो अगर निफ्टी को या बैंक निफ्टी को आइदर साइड मूवमेंट करना है तो इंडिया विक्स को एक रेंज यानी ऊपर की तरफ जाना जरूरी बनता है। डेरिवेटिव डेटा में समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 3.27% से अपने लॉन्ग को कम किया है। ये कहना कि लॉन्ग को कम किया ये गलत होगा, कंपैरिजन करके हम नॉर्मली बात करते तो एक शॉर्ट के मुकाबले 82.46% लॉन्ग है। इसके अंदर में लॉन्ग पोजीशन भी कम की गई है एंड शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाई भी गई है आज के दिन में। सो ओवरऑल अगर देखें तो डेटा इतने ठीक ठाक नहीं है, साइडवेज ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन आप इसे न्यूट्रल टू नेगेटिव एक बार मान के चल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन 75 के नीचे जाएगा तब कुछ सोचा जा सकता है, नहीं तो जब तक ये 82-85 के आसपास में नजर आएंगे तब तक प्रेशर बना रहेगा कि किसी भी दिन ये ऑफलोड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को, जिसके चलते हुए मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 944 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। बड़ा नंबर है, तीन डिजिट में है पर बड़ा नंबर है। 944 करोड़ आपको 2 जून के बाद में पहली बार इतना बड़ा नंबर एक बार देखने को मिल रहा है इंडेक्स के अंदर में, वो भी नेगेटिव साइड के अंदर में। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बहुत दिनों बाद में लगभग 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन के बाद में आपको बाइंग फिगर देखने को मिल रहा है जो कि 4 डिजिट में है। 3 डिजिट में तो 65,215 ये बीच में देखने को मिले थे, लेकिन 1,462 करोड़ की बाइंग जो है वो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? क्या इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में जिस तरह से बीच में लॉन्ग बनाना चालू किया था, अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देख के आपको स्टॉक फ्यूचर यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा? नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि एक्सपायरी डे के अंदर में आपको स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में कुछ एडजस्टमेंट होते हुए नजर आता है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर अगर मैं बोलूँ तो ये तो मुझे 24 जून के हिसाब से बात करना चाहिए, क्योंकि वो तो मंथली होते हैं, वीकली तो होते नहीं है। तो इसके अंदर में बाइंग आज देखने को मिल रही है, नंबर सही है, नंबर सही है, मीन टू से बढ़िया नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है ये। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू बनना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव व्यू तब बनेगा जब 2-3 दिन तक ऐसी ही 2-3-4 डिजिट के अंदर में पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले तब। ओवरऑल इसके एक दिन पहले भी कुछ ज़्यादा बिकवाली नहीं की थी, 70 करोड़ की बिकवाली की थी, हाथ थामते हुए नजर आए हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार रुक के तब इसके ऊपर बात किया सकता है। 944 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में एंड 1462 करोड़ की बिकवाली आपको स्टॉक फ्यूचर में देखने को मिल रही है। इस हिसाब से अगर हम देखने के लिए जाएं तो लगभग आपको 500 करोड़ एक अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ की बिकवाली ही देखने को मिल रही है जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में है। लेकिन कैश मार्केट के अंदर में भी खरीदारी हुई है जो 1330 करोड़ की है। DIA 575 करोड़ है। सो FII का अगर पूरा डेटा ऐड किया जाए सो आपको लगभग 1900 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिलेगी जो FII को पॉजिटिव बनाती है आज के दिन में। DIA पिछले 3 दिनों से बिकवाली के मूड में है तो डेफिनेटली यहाँ से DIA नेगेटिव व्यू बना रहे हैं। एक FII की खरीदारी मार्केट के अंदर में अगर आ जाती है, देखिए एक दिन पहले भी देखिए 1423 करोड़ की खरीदारी हुई थी, उसके पहले 1500 की खरीदारी हुई थी, अगर ये नंबर्स कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं आपको तो मार्केट के अंदर में नए लेबल्स बन सकते हैं। आपको
याद होगा बीच में जिस तरह से एफआईआई पैसे पंपिंग कर रहे थे मार्केट में, मार्केट के अंदर में नए नए लेबल्स बढ़ रहे थे। अब 14,400-14,600 के लेबल से जो रिटेलर्स हैं उन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, एफआईआई के नंबर डाउन दिख रहे थे। अब यहाँ पे अगर एफआईआई की तरफ से बाइंग आ जाती है तो आपके लिए बढ़िया लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं, डीआईआई उन्हें सप्लाई करता हुआ नजर आ ही रहा है। कंसर्न कहाँ है? कंसर्न पुट कॉल रेशियो में है, 1.52 ठीक ठाक था। यहाँ पे ठीक है बाइंग करनी चाहिए थी, मैंने कल के वीडियो में बोला था थोड़ा और नीचे जाए तब बाइंग करनी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं, ऊपर के लेवल से लोगों ने लपक लिया। तो जिस तरह से ऊपर के लेवल यानी 1.12 गैप अप ओपनिंग फिर भी लोगों ने बाइंग की, उसी तरह से 1.52 के आसपास में है, और अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग कल के दिन में देखने को मिलता है तो आपको एक और शॉर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप तीन दिन देखिए, 1.52, 1.51, आपको ये तीन बार देखने को मिला है और ये तीनों बार यहाँ से एक बार करेक्शन देखने को मिलता है। ऐसा हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि पुट राइटर्स जो थे मार्केट के अंदर में वो निकल गए हैं। जो डेटा आज के दिन में जो एक्सपायरी हुई उस डेटा को अगर आप हटा के देखें सो पुट राइटर्स के नंबर्स कम होते हुए नजर आए, जिसके चलते हुए 10th जून के लिए आपका एक्सपायरी आज के सेशन के बाद में जो आपका पुट कॉल रेशियो 1.52 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सो ये कंसर्न का बात है, थोड़ा सा ऊपर गैप अप अगर कल के दिन में मिलता है तो ये 1.60-1.65 के आसपास में जाएगा, और अगर उस लेवल के आसपास में जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक बार सेल करना बनता है, शॉर्ट क्रिएट करना बनता है। हमने पोजीशन कौन सी ली? जैसा कल के वीडियो में बताया था, एक दो दिन ट्रेड नहीं ले रहे हैं हम, तो डेफिनेटली कल के दिन में भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, मंडे से वापस से ट्रेडिंग चालू करेंगे। सो लेट मार्केट सेटल फर्स्ट एंड देन उसके बाद शुरुआत करेंगे। एनी हाउ अभी तक जो हमने ट्रेड शेयर किया लगभग 74.69% सक्सेस रेशियो के साथ में है, एंड 24,000 के आसपास का जो अमाउंट था एक साल पहले वो कहीं ना कहीं 6,97,000 के आसपास बनता हुआ कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है इसमें। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे डिटेल्स आपके मोबाइल पे या यूट्यूब की कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दिन फॉल एक दिन ऊपर, ये जो पैटर्न में काम कर रहा है क्या ये कंटिन्यूएशन है? कल के दिन में परसों के हाई तोड़ते हुए नजर आएंगे क्या, यानी अभी तक का लाइफ टाइम निफ्टी के अंदर में, और 35,800 के आसपास की जो मूवमेंट हुई थी बैंक निफ्टी में क्या कल उसे तोड़ते हुए नजर आएंगे या फिर से रेड कैंडल देखने मिलेगा चार्ट के ऊपर? यह है सचिन कुकरेजा, इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से, अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome back. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का भी ऑलरेडी शेयर किया है जो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ना बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग के कुछ घंटों तक एक साइडवेज मूवमेंट में काम करने के बाद में बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक मूव दिया, जिसके चलते हुए हम 35,100 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहे हैं। नाउ कुछ दिन पहले तक ये कंडीशन था कि अगर 35,100 हम नहीं तोड़ते हैं तो बाउंस बैक होने के पूरे चांसेस हैं। 35,100 भी हमने तोड़ा, 34,700 के आसपास गए, वहां से बाउंस बैक देखने को मिला है। कल के दिन में इनफैक्ट हमने लो बनाया हुआ था, सो कल जो लो था लगभग 34,646-650 के आसपास का था, वहां से फिर आते हैं हमने बाउंस करने की कोशिश की हुई है। लगभग वहां से 400-500 पॉइंट हम ऊपर भी आ चुके हैं। अब क्या वापस से बैंक निफ्टी ऊपर की रेंज की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ऐसे अभी कोई भी सिम्टम्स देखने को या साइन देखने को नहीं मिल रहा है। मोस्टली डिपेंड करेगा कल का मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर में ही डिपेंड करने वाला है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से न्यूज़ है, लेकिन अभी भी ऊपर की तरफ आपके लिए 35,351-35,269 ये एक रेंज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक अच्छी चीज़ जो हुई है, हमने जो क्लोजिंग दी हुई है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेट मी शो यू द ट्रेंड लाइन प्रॉपरली। सो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके हमने क्लोजिंग दी, जो कल का फॉल था इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग लेने के बाद में देखने को मिला था। सो पॉजिटिव यही है कि हमने उसके ऊपर में आके क्लोजिंग दी हुई है। नाउ रेंज समझ लेते हैं, पहले
अगर बाय करना है तो कौन सा रेंज सही है और अगर सेल करना है तो कौन सा रेंज सही है। अगर बाय करने की बात आती है तो बाय अभी भी आपको जो सही लेवल है वो 34,400 से लेके 34,500 के बीच का है अभी भी। अगर इसके आसपास में मिलता है तो बाय क्रिएट करना चाहिए। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स नीचे की मैं बात कर रहा हूँ और इस फॉल के अंदर मैं उस लेवल के आसपास गए भी नहीं है, फिर भी मैं उस लेवल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आपको कॉन्फिडेंट बाइंग देखने को मिलेगी आपको। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आपको 35,800 के आसपास मिलता है, लेट्स से 35,500 से 35,750 के बीच में मिलता है तो एक बार सेल क्रिएट करना चाहिए। बैंक निफ्टी इन दो ज़ोन्स के बीच में फंसा हुआ है अभी फिलहाल। एक क्लोजिंग आज 35,100 के ऊपर की मिल गई है। अगर 35,300 वगैरह के ऊपर कल काम करते हुए नजर आए, 35,500 के आसपास में काम करते हुए नजर आए तो पूरे चांसेस बनते हैं कि एक बार थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट हो और वापस से आप नीचे की तरफ 34,900 35,100 के रेंज में एक बार फिर से आते हुए दिखे। सो बैंक निफ्टी फिलहाल के टाइम पे जिस तरह से समझ में आ रहा है ये रेंज ध्यान में रखिए, ये दोनों रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये दोनों रेंज के अंदर में एक बार हम पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, स्टॉप लॉस आप 100 पॉइंट्स ऊपर के लगा सकते हैं। टारगेट लगभग 200-300 पॉइंट लगे, लेट से 34,400 34,500 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टारगेट आपके लिए 34,800 से लेके 35,100 का बनता है। और अगर ऊपर की तरफ सेल कर रहे हैं 35,800 के आसपास तो नीचे के लिए आपको 35,300 से 35,200 तक के लेवल्स और 35,100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट करने में। फिलहाल बैंक निफ्टी को लेकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है तो उसमें बहुत सारे लेवल्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। कैंडल जो बनी हुई है कल की जो क्लोजिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग आप बोल सकते हैं उसके, गैप अप इन द सेंस कल की क्लोजिंग से अच्छा खासा ऊपर की तरफ ओपनिंग हुआ। नीचे की तरफ हमने 34,726 रीटेस्ट किया एंड कल की ओपनिंग के ऊपर जाके आज क्लोज किया। पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जानी चाहिए ये, अगर कैंडल वाइज बात करें तो पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जानी चाहिए। लेकिन आपके लिए रेजिस्टेंस 35,264 से लेके 35,300 का अभी भी बनता है चार्ट के ऊपर में। सो अगर इसे क्रॉस करते हैं तो ही कुछ रैली की एक्सपेक्टेशन, फिर भी ऊपर की तरफ 35,500 35,700 आपके लिए रेजिस्टेंस है ये दोनों। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिलने वाला है। एक झटके में अगर इसे तोड़ के निकल जाए, यानी कल के दिन में आपको 700-800 पॉइंट का गेन देखने को मिले तो दूसरी बात है, नहीं तो ये वन वे रैली के लिए तो आपको तैयार नहीं करेंगे, इतना कंफर्म है बैंक निफ्टी कल के दिन में। ओवरऑल अभी तक ग्लोबल माहौल जो दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है। सो कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है, बट गैप अप ओपनिंग होने के बाद में पुट कॉल रेशियो ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली वहां से आपको एक बार सेल देखने को भी मिल सकता है। सो ग्लोबल मार्केट पे नजर रखिए, कल उसी के हिसाब से काम करते हम नजर आएंगे। ऑप्शन चैन में देख लेते हैं, 35,131 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। सो 35,100 हमारा एट द मनी होगा। लेट मी मार्क एट द मनी फर्स्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट 35,100 जिसमें बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बनी है। सो 35,000 की बात कर लेते हैं एंड इफ़ यू लुक एट 35,000 में कॉल साइड में 21,600 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड पुट साइड में 23,700 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। लगभग बराबरी का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर में जो एडिशन आपको देखने को मिलेगा 13,800 के आसपास का एडिशन कॉल साइड में एंड 15,000 लॉट का एडिशन आपको पुट साइड में देखने को। यहाँ पे भी बराबरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में वो 35,000 पे है एंड जो कॉल साइड में वो 35,500 है। सो रेंज क्या बन के आनी चाहिए, रेंज नीचे की तरफ अब थोड़ा सा खुलते हुए नजर आया हुआ है। सो छोटी रेंज जो आपकी हो सकती है 34,800 से 35,300 की हो सकती है। थोड़ा सी बड़ी रेंज के बारे में बात करें तो 34,500 से ऊपर की तरफ आप यहाँ पे 35,500 35,800 की भी एक बार यात्रा कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। इवन टुमारो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, कल भी सिंस ट्रेड नहीं लेना, डेफिनेटली मार्केट पे नज़र तो रहेगी लेकिन सिंस इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जैसा मैंने चार्ट के ऊपर में बोला इसलिए अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं निकाल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।